हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्या, वेज रोल, इजी क्विक वेज रोल। तो आपको दिखाता हूँ रेसिपी, चलो लेट्स गो। ये हमने मैदा ले लिया है, थोड़ा सा सीधा मैदा, इसके अंदर डाला हमने थोड़ा सा पानी और इसको ओसन देते हैं फटाफट। ये हमने आटा गूंद लिया है अच्छे से, ठीक है, इसको 5-10 मिनट रख भी दिया है। ये इधर कैप्सिकम कट कर ली हमने, शिमला मिर्च, ये टमाटो, टमाटर, ये अपने प्याज, ऑनियन, और ये गार्लिक और ग्रीन चिली, मतलब हरी मिर्च और लहसुन, दोनों अपन ने बढ़िया तरीके से काट लिए। अब आगे की ये फिलिंग के लिए रोल जो हम बना लें वेज रोल, तो आगे के दिखाता हूँ मैं आगे। जैसे ये अपने घर पे बनाई हुई लाल मिर्च है, इसमें अदरक है, लहसुन है, कई चीज़ें, हरा धनिया है, सब पीस के कूट के कुंडी में तैयार कर रखी, तो इसी को दिखाता हूँ आगे। तो इसके अंदर थोड़ी सी हम, ये मेयोनीज आती है सिंपल, ये मेयोनीज आती है, तो ये मेयोनीज है, मेयोनीज इसके अंदर डाल देते हैं ताकि थोड़ा रोल के अंदर क्रीमी सा टेक्सचर बने, थोड़ी डालिए, डाल दिए। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, जैसे थोड़ा सा पानी डाल लो, अच्छी तरह डाल दे, ये पानी डाल दिए, ठीक है। तो उसके बाद में इसको अच्छे से फेंट लो ऐसे ऐसे करके। वो फिंगर के लिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर बन गया, ये अंदर काफ़ी क्रीमी फ्लेवर देगा, जब खाने में और टेस्ट आएगा। तो सॉस और कर लेते हैं। ये हल्का हल्का मैदा बुरकाया भाई हमने, बॉईल करने के लिए रखती है इसमें, और इधर ये कढ़ाई, इसमें हम फटाफट अंदर फिलिंग के लिए रेडी कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे ताकि वेजिटेबल जलें, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना, निकल जाए, थोड़ा सा डालना। वाह, देसी घी की स्मेल आ रहा है, थोड़े से मिर्च और लहसुन, हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा हल्का हल्का डालना। इसके बाद में इनको हल्के से थोड़ा सा पकने दें कम आंच पे, ये थोड़े से पक रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं प्याज, ये हमने उसके बाद में ऑनियन, टमाटर और ये शिमला मिर्च डाल दिए, घर में काट लिया, इसको अच्छे से भीने भीने आग से थोड़ी देर होने स्वाद दे मैंने, ताकि ये पूरा पके भी ना और पूरा कच्चा भी नहीं रहे, कच्चा पक्का सा रहे, उससे क्रंची क्रंची टेस्ट अच्छा आएगा। और हाफ मैंने ये कच्चे रख लिए, ये देखो ये मैं बाद में डालूँगा, और उधर मैगी के अंदर थोड़ा सा हम ये मैगी मसाला है डाल देते हैं, ज़्यादा मसाले तो डालने में बस मैगी मसाला, थोड़ा सा ये काला नमक, क्योंकि इसमें हर्ड वगैरह कई चीज़ होते हैं तो भाई बर्दी को नहीं हुआ, अच्छा हो पेट का पे डाल, हल्का सा ये वाइट नमक,
है जो कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, सॉस सब में ये वैसे बल्कि है। हल्की पकी, उसमें हमें थोड़ी सी हमारी ये फटाफट ये मैगी जो हमारी थी ये डाल दी हमने इसके अंदर। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो कितनी अच्छी लग रही है वेजिटेबल उसमें देखने। तो यह फटाफट हमने तवे पे घी डाला, ये जो हमने बेल लिया था उसको रखा साइड किया, फिर दूसरी साइड इसके चारों तरफ अच्छे से ताकि घी लग जाए, उसके बाद सेक लगा देते हैं ताकि कहीं से भी ज़्यादा कम ज़्यादा पके, कच्चा ना रहे। इसको अच्छे से सेक लेते हैं, बस ज़्यादा करारा मत कीजिए, हल्का हल्का। ये देखो हल्का सुनहरा रंग, कितना मस्त रंग हो गया इसका, देखने में यम्मी लग रहा है, खाने में तो और ज़्यादा लगेगा। ये हमारा रोल पक चुका है, इसके ऊपर हम पहले डालेंगे सबसे पहले ये जो हमने वेजिटेबल्स रेडी की थी ये डाल देते हैं फटाक से। सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर, वेजिटेबल्स ओनियन कैप्सिकम से भी इसके अंदर डाल दिए, फिर ऊपर से ये कच्ची वाली और डाली। ये थोड़ा सा ओनियन, अच्छा उसके बाद में ये पूरा ठोक के डाला जो मेयोनीज और हमने वो की थी, उसके बाद में ये सॉस, छोटा सॉस ले लो आपके पास बड़ा से बड़ा, बस तो इसको फटाफट हम ये ऊपर नींबू, और इसको फटाक से कर देते हैं हम रोल। ये हमारा रेडी हो गया, ये देखो हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज़ और हमारी वाली थी थोड़ा सा पेस्ट ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद में ये थोड़ी सी मैगी और मसाला ये जो हमने रेडी किया था ये लेते हैं, ये इसके ऊपर अच्छे से फैला देते हैं, ला दिया। उसके बाद में थोड़ी सी कैप्सिकम ऊपर से जो कच्ची वाली है, थोड़ा सा ओनियन, ओनियन बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा, थोड़ा सा ओनियन फटाफट डाला। उसके बाद में ये दोबारा से ऊपर से फीलिंग ऊपर ऊपर के ठोक ठोक डालो ताकि क्रीमी टेक्सचर आएगा थोड़ा। उसके बाद ऊपर से ये सॉस अगर आपको पसंद है तो, हम छोटो वाला पाउच किया है ताकि इससे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस डन, ये हमारा हो गया रेडी रोल, उसको फोल्ड कर दो। पूरा फुल ठोक के वेजिटेबल्स भरे हुए हमने, ये भाई लास्ट मेरा बचा है तो फटाफट मैं खा लेता हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ पीछे बैकग्राउंड में सिंक है, कोई ना खा के हाथ भी तो धोने हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये भाई मेरा रोल मैं भी खा लेता हूँ। अगर आप सभी को कुकिंग पसंद है तो आप भी ट्राई करें, मेरे को डेली नई नई रेसिपी पसंद है। तो फिर मिलते हैं एक अनदर व्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।